एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी में फैमिली लेमिएसी, जिसका पुराना नाम है लेबिएटी के नाम से भी इसको जानते हैं। और इस फैमिली को कॉमनली हम मिंट फैमिली कहते हैं। मिंट का मतलब होता है पुदीना, पुदीना फैमिली के नाम से जानते हैं। ये जो फैमिली लेबिएटी है, इसको एक ग्रीक शब्द से इसका नाम लिया गया है, जिसका मतलब होता है लेबियम। इज अ ग्रीक वर्ड। और लेबियम का मतलब होता है ओट या लैमिनोस, मतलब लिप्स के समान, ओट के समान आकृति जिसकी होती है दलपुंज की, इसलिए इसको लेबिएटी फैमिली भी कहा जाता है। और जो इसका न्यू नेम है वो है फैमिली लेमिएसी। सबसे पहले यदि हम इसकी वर्गीकृत स्थिति देखें, सिस्टमैटिक पोजीशन बेंथम और हुकर के अनुसार, तो ये एंजियोस्पर्म में आता है। सबसे पहले एंजियोस्पर्म में द्विबीजपत्री की एक फैमिली है लेमिएसी, और द्विबीजपत्री में ये गैमोपेटली के अंतर्गत आता है, जो इसकी क्लास है गैमोपेटली, जिसके अंदर जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो डाइकॉट के अंदर तीन क्लासेस हैं, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। तो ये जो फैमिली है वो आती है गैमोपेटली में, जिसमें दल आपस में जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। और इसके बाद बेंथम हुकर में जो क्लासेस दी, उनमें सीरीज दी गई, श्रेणियां दी गई हैं। तो गैमोपेटली में तीन सीरीज हैं, इन्फेरी, हिट्रोमेरी और बाइकार्पलेटी। तो ये आता है श्रेणी बाइकार्पलेटी के अंदर। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर दो कार्पल होते हैं, दो अंडक होते हैं, इसलिए इसको बाइकार्पलेटी के अंतर्गत रखा गया है। बाइकार्पलेटी का ऑर्डर है लेमिएल्स और फैमिली है लेमिएसी। जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के यदि हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखें, तो इसके अंदर जो पुष्प होता है, फ्लावर, इरेगुलर होता है, अनियमित होता है। उनका जो शेप और साइज है वो इक्वल नहीं होता है। इसके बाद इसमें कोरोला बाइलेबिएट होता है। बाइलेबिएट का मतलब होता है द्विओष्ठी। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके अंदर, जो स्टेमन्स होते हैं चार होते हैं और डायनेमस होते हैं। द्विदीर्घी का मतलब ये होता है कि इसमें जो स्टेमन्स पुंकेसर होते हैं चार होते हैं, जिनमें दो पुंकेसर, दो स्टेमन के फिलामेंट लंबे होते हैं और दो स्टेमन्स के फिलामेंट छोटे होते हैं। तो इसको हम द्विदीर्घी अवस्था कहते हैं, जो कि फैमिली लेमिएसी के अंदर पाई जाती है। ओवरी सुपीरियर और ओवरी के अंदर दो से लेकर चार लोक्यूल पाए जाते हैं। लोक्यूल को हम कहते हैं कोष्ठक। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस ऑर्डर के। ऑर्डर लेमिएल्स में पुष्प अनियमित होता है, कोरोला जो दलपुंज होता है द्विओष्ठी सामान्यतः पाया जाता है, इसलिए लेबिएटी नाम भी दिया गया इसको। पुंकेसर चार होते हैं स्टेमन्स, जिनमें डायनेमस कंडीशन पाई जाती है, द्विदीर्घी अवस्था, जिनमें दो पुंकेसर के फिलामेंट लंबे होते हैं और दो के छोटे होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है और जो उसके अंदर प्रत्येक ओवरी में दो से चार कोष्ठक इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें, तो इसमें 200 जेनरा अप्रॉक्सीमेटली और 3200 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड इसकी पाई जाती हैं, और इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 69 जेनरा हैं इसके, और 400 के आसपास स्पीसीज इस फैमिली की पाई जाती हैं। इसकी बहुत सारी, कुछ जेनरा ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में एंडेमिक भी पाए जाते हैं, बाकी वर्ल्ड वाइड कॉस्मोपॉलिटन इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी जगह पाई जाती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले हैबिट यदि इसकी प्रकृति देखें, तो सामान्यतः इस फैमिली के अंदर एरोमेटिक हर्ब और श्रब्स पाए जाते हैं। हर्बेशियस पादप इसके अंदर
ज्यादा होते हैं, जिनमें ओसिमम हो गया, तुलसी कुल भी कहते हैं जिसको हम, लेवेंडुला हो गया, ल्यूकास हो गया, हिप्टिस है, और भी कई स्पीसीज जो कॉमन है इसके अंदर पाई जाती है। जैसे हम मिंट फैमिली कहते हैं, मेंथा इस फैमिली के अंदर पाया जाता है। स्टेम स्टेम का एक स्टेम क्योंकि नॉर्मली हर्बेशियस प्लांट है, श्रब है, तो एरियल भी होगा, इरेक्ट होता है, शाखित होता है, ब्रांच होता है। और एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो इसका स्टेम है वो क्वाड्रेंगुलर होता है, चतुष्कोणीय होता है, चार कोण होते हैं इसके। नॉर्मली हम कहते हैं इसका जो ऑल्टरनेटिव टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं सिलेंड्रिकल है या एंगुलर है। एंगुलर में स्पेशली जो इसका स्टेम होता है वो क्वाड्रेंगुलर होता है, और मेंथा के अंदर, पुदीना के अंदर, इसमें अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है। तो ये स्टेम के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। लीव्स में अनुपर्ण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए एक्स स्टिप्यूलेट होती हैं, पीटियोलेट भी होती हैं, और कुछ प्लांट्स के अंदर लीफ विदाउट पीटियोल के होती हैं, व्रंत नहीं पाया जाता है। सिंपल होती हैं, सरल होती हैं, और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है ऑपोजिट डेक्यूसेट पाई जाती हैं, सम्मुख क्रॉसित होती हैं। एक तो सम्मुख होती हैं, आमने सामने लगी हुई होती हैं, और एक पेयर दूसरे पेयर को क्रॉस करते हुए होता है, तो उसको हम कह देते हैं ऑपोजिट डेक्यूसेट होती है। और एक क्योंकि नॉर्मली एरोमेटिक प्लांट है, इनमें एक तरह की स्मेल आती है, खुशबू आती है, तो इनको लीव्स होती हैं हेरी होती हैं, विथ एरोमेटिक स्मेल इनके अंदर पाई जाती है, और एक शीरीय जालिकावर सिरा विन्यास इनके अंदर पाया जाता है। लीव सिंपल है, इसलिए यूनिकॉस्टेट वेनेशन इनमें पाया जाता है। अब बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका इन्फ्लोरेसेंस। इसमें एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं वर्टिसिलेस्टर कूट चक्रिक। कूट चक्रिक इन्फ्लोरेसेंस एक इस फैमिली का एक स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस है, विशेष प्रकार का। आपको जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाए थे तब भी बताया था विशेष प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में एक वर्टिसिलेस्टर, हाइपेंथोडियम, साइथियम। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है वर्टिसिलेस्टर, ये किसमें मिलता है? फैमिली लेमिसी के अंदर कूट चक्रिक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसमें क्या है, जो फ्लोरल एक्सिस है उसके चारों तरफ पुष्प वर्ल में पाए जाते हैं और नोड पर विकसित होते हैं। जो स्टेम का जो नोडल रीजन है, जहां जहां भी नोड्स होते हैं उस स्थान पर पुष्प लगते हैं। और इनमें जो फ्लोरल एक्सिस है उसमें आप कह सकते हैं डाइकेजियल साइमोस प्रकार का पुष्पक्रम होता है, उस तरह से अरेंज होते हैं जो दोनों तरफ नोड के हेलिकॉइड साइन की तरह तीन तीन पुष्प एक साथ। और फ्लोरल एक्सिस इनकी इतनी कंडेंस होती है कि ये पुष्प बिल्कुल पास पास दिखाई देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि वर्ल में होते हैं और फॉल्स वर्ल की तरह दिखाई देते हैं, कूट चक्रिक इसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम कहते हैं वर्टिसिलेस्टर, जो कि फैमिली लेमिसी के अंदर सामान्यतः पाया जाता है। जैसे ओसिमम हो गया, साल्विया हो गया, इनके अंदर नॉर्मली तीन तीन पुष्प दोनों तरफ ऑपोजिट एक दूसरे के आमने सामने सम्मुख रूप से उपस्थित होते हैं। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है, सहपत्री होता है, व्रंतयुक्त होता है और ससाइल दोनों। जो व्रंत है वो काफी छोटा होता है, सब ससाइल कह सकते हैं, और कभी कभी ससाइल भी होता है, अव्रंती होता है, पूर्ण होता है, कंप्लीट है, जिसमें चारों चक्र पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही इनके अंदर मिलते हैं। एक व्यास सममित, जाइगोमॉर्फिक, जैसे पहले ही मैंने बताया था ऑर्डर लेमियज के अंदर फ्लावर इरेग्युलर होता है, अनियमित होता है, शेप साइज इक्वल नहीं होती है, इसलिए एक व्यास सममित होता है। पेंटामेरस पंचतई होता है और हाइपोगाइनस होता है जायांग। इधर ये टर्म बहुत बार आ चुकी है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, जब ओवरी सुपीरियर होती है तो पुष्प हाइपोगाइनस होता है, जायांग धर होता है, पुष्प के जो भाग होते हैं वो जायांग के आधार से नीचे से उत्पन्न होते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोगाइनस। जैसे हम एलएस ऑफ फ्लावर में ये कंडीशन हम देख सकते हैं। ये पेडिसल है, इसका थैलेमस है, नीचे डिस्क पाई जाती है,
और ये ओवरी, ओवरी के नीचे से कैलिक्स, कोरोला, स्टेमंस दल से जुड़े हुए होते हैं और ओवरी के आधार से फ्लोरल पार्ट्स उत्पन्न होते हैं, कैलिक्स, कोरोला और स्टेमंस, इसीलिए हम इसको कहते हैं हाइपोगाइनस, जो कि एलएसओ फ्लावर में क्लियर दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। कैलिक्स नॉर्मली 5 सेपल, गैमोसेपलस, संयुक्त बाह्य दल गैमोसेपलस इनके अंदर पाए जाते हैं और वॉल्वेट एस्ट्राइवेशन होता है इनके अंदर, कोर स्पर्शी विन्यास। लेकिन कभी कभी रेयरली इम्ब्रिकेट भी मिलता है और छादी विन्यास भी इनके अंदर पाया जाता है। तो दोनों तरह का मिलता है, कुछ स्पीशीज के अंदर वॉल्वेट होता है और किसी के अंदर कोर छादी विन्यास इनमें पाया जाता है। तो नॉर्मली कैलिक्स होते हैं वो नॉर्मली या तो ट्यूब्यूलर होते हैं या फिर बाइलिपिड। द्विओष्ठी पाए जाते हैं, कैलिक्स मिलते हैं इनके अंदर। कैलिक्स में सेपल्स 5 होते हैं, गैमोसेपल्स होते हैं और वॉल्वेट एस्ट्राइवेशन इनके अंदर पाया जाता है। दलपुंज 5 पेटल, पहले ही अपने देखा था क्लासिफिकेशन में गैमोपेटली का मेंबर है तो गैमोपेटलस कंडीशन पाई जाती है। संयुक्त दल होते हैं, वॉल्वेट एस्ट्राइवेशन, कोर स्पर्शी विन्यास होता है इनके अंदर और बाइलेविएट और द्विओष्ठी दलपुंज इनके अंदर पाया जाता है। द्विओष्ठी में क्या होता है, जो दलपुंज होता है इसमें नॉर्मली 1/4 कंडीशन होती है। 1/4 जो फ्लोरल डायग्राम हम बनाएंगे तो एक जो पेटल होगी वो एंटीरियर होगी और बाकी जो 4 होंगी वो पोस्टीरियर साइड में होंगी। लेकिन इस तरह की कंडीशन नॉर्मली मिलती है ऑसिमम के अंदर, लेकिन जैसे साल्विया है इसका एक एग्जाम्पल। साल्विया के अंदर क्या होती है 2/3, दो जो पेटल्स होती हैं वो अपर लिप पर होती हैं और 3 पेटल्स लोअर लिप पर पाई जाती हैं। 2/3 कंडीशन इनके अंदर पाई जाती है। नॉर्मली द्विओष्ठी होता है और ज्यादातर जेनरा के अंदर जो अपर लिप होते हैं उसमें 2 लिप्स होते हैं और जो लोअर होता है उसके अंदर 3 पेटल्स पाई जाती हैं, लेकिन ऑसिमम के अंदर 4 और 1 पेटल इनके अंदर नॉर्मली पाई जाती है। फिर आता है इसका तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में नॉर्मली बताया था ज्यादातर जो कॉमन कैरेक्टर है उसमें 4 स्टेमंस इनके अंदर पाए जाते हैं जो 2+2 में विन्यासित होते हैं, अरेंज होते हैं।
डाई डायनेमस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फैमिली का जो अपने को याद रखना पड़ेगा। द्विदीर्घी अवस्था पाई जाती है। डाई डायनेमस पहले भी आपको बताया था, दो स्टेमंस के फिलामेंट लंबे होते हैं और दो के छोटे होते हैं। ऐसे ही साथ में एक टर्म और आती है टेट्रा डायनेमस ऑन द बेसिस ऑफ फिलामेंट के आधार पर। तो टेट्रा डायनेमस कंडीशन नॉर्मली ब्रैसिकेसी के अंदर मिलती है जिसमें 6 स्टेमंस होते हैं और दो के लंबे, दो जो स्टेमंस होते हैं उनके फिलामेंट छोटे होते हैं और 4 के लंबे होते हैं जिसको हम चतुर्दीर्घी कहते हैं। एपिपेटलस दल लग्न, इनके अंदर जो स्टेमंस होते हैं वो दल लग्न होते हैं। डाइथीकस इंट्रोज अंतर्मुखी होते हैं, अंदर की तरफ पाए जाते हैं। जैसे अब साल्विया है, साल्विया ये नॉर्मली तो 4 स्टेमंस होते हैं लेकिन अब साल्विया की बात करें तो साल्विया के अंदर सिर्फ 2 ही स्टेमंस होते हैं। बाकी जो स्टेमंस होते हैं वो स्टेमिनोड्स के रूप में इनके अंदर पाए जाते हैं, स्टराइल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो स्टेमंस का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डाइडायनेमस, 4 स्टेमंस और डाइडायनेमस अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। इनर मोस्ट जो वर्ल्ड होता है वो है गाइनोशियम, चायांग बाइकार्पलेटी का मेंबर है इसलिए बाइकार्पुलरी, सिनकार्पस संयुक्त अंडपी, ओवरी सुपीरियर, एक्साइल प्लेसेंटेशन। अक्षीय बीजांडान्यास, अब इस फैमिली के अंदर एक गाइनोशियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पाया जाता है, वो है इसके अंदर जो स्टाइल होती है गाइनो बेसिक। जायांग नाभिक वर्तिका, अभी जायांग नाभिक वर्तिका क्या होती है जो गाइनो बेसिक स्टाइल होती है वो यहाँ गाइनोशियम में आप देख सकते हैं। ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें जो ओवरी के जो लोब्स होते हैं 4 लोब्स के फॉर्म में पाई जाती है और ये जो स्टाइल और स्टाइल निकलती है वो ओवरी के बिल्कुल नाभिक से निकलती है, अंदर से निकलती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं जो ओवरी है अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी, स्टाइल है जो ओवरी के आधार से उत्पन्न होती है, केंद्र से उत्पन्न होती है। तो इस तरह के कैरेक्टर को कहते हैं जायांग नाभिक वर्तिका या गाइनो बेसिक स्टाइल, जो इस फैमिली का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस फैमिली के कैरेक्टर के बेसिस पर फैमिली का नाम लिखिए, किस कुल के अंदर जायांग नाभिक वर्तिका या गाइनो बेसिक स्टाइल पाई जाती है। तो हमें याद रखना पड़ेगा फैमिली लेमिएसी। डाई डायनेमस कंडीशन किस फैमिली के अंदर पाई जाती है, फैमिली लेमिएसी के अंदर पाई जाती है। तो ये गाइनो बेसिक स्टाइल यहाँ पे अपने को याद रखनी है और स्टिग्मा बाइलोट, दो में विभाजित हो जाता है, बाइफर्केट हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्योंकि ओवरी जो है इसकी गाइनोशियम है बाइकार्पलरी है तो 2 अंडप होने चाहिए थे, लेकिन कभी कभी इनके अंदर क्या होता है फॉल्स सेप्टम बन जाने के कारण, पट बन जाने के कारण जो ओवरी है वो टेट्रालोक्यूलर हो जाती है, चतुष्कोष्ठकीय।
नॉर्मली बाइलॉक्युलर होनी चाहिए, द्वि कोष्ठकी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में आभासी पट बनने के कारण, फॉल्स सेप्टम के कारण जो ओवरी है वो बाइलॉक्युलर के स्थान पर टेट्रा लॉक्युलर हो जाती है, जैसा कि टीएस ऑफ ओवरी में भी बताया हुआ है। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ओवरी है वो टेट्रा लॉक्युलर दिख रही है और प्रत्येक कोष्ठक के अंदर एक बीजांड एक ओव्यूल पाया जाता है। फ्लोरल फॉर्मूला, यदि फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे इसका हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखें तो बिल्कुल सिंपल, ब्रैक्ट उपस्थित है, ब्रैक्टिएट है, पहले ही बता दिया था, एक व्यास सममित है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स नॉर्मली 1/4 सी 4/1 ब्रैकेट के अंदर जुड़े हुए हैं, 2+2 दल से जुड़े हुए हैं, दल लग्न हो गया, गायनोशियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस एंड ओवरी इज सुपीरियर। ये यहाँ पे हम फ्लोरल डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो 1/4 और 4/1 की कंडीशन है वो आप यहाँ देखिए। देखिए हमने कैलिक्स बनाए हैं, यहाँ पे आप ब्रैक्ट भी बनाना है अपने को। एक जो कैलिक्स है वो बड़ा है पोस्टीरियर साइड में और बाकी के जो चार हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। तो इस तरह से बाइलेबिएट जो कोरोला है वो कैलिक्स एंड कोरोला शो करता है 1/4। फिर आप कोरोला के अंदर देखिए जो एक पेटल है वो बाकी से बड़ी होती है, वो इसके ऑपोजिट साइड में होती है और जो बाकी की पोस्टीरियर है वो चारों इक्वल साइज की होती है। तो इसको हम कह देते हैं, ये तो हो गया 1/4 और 4/1 सब आपस में जुड़े हुए हैं, स्टेमंस चार बनाए हुए, एक यहाँ पे जो लिखा है वो है स्टराइल स्टेमन, बाकी चार स्टेमन होते हैं दल से जुड़े हुए होते हैं, मदर एक्सिस हमने लगाई है ऊपर, नीचे ब्रैक्ट बना हुआ है और चार स्टेमंस इसके अंदर हैं जो दल से जुड़े हुए हैं और ये है प्लेसेंटेशन जो कि एक्साइल प्लेसेंटेशन शो करता है। फॉल्स सेप्टम की वजह से टेट्रा लोक्यूलर ओवरी इनके अंदर होती है और प्रत्येक कोष्ठक के अंदर लोक्यूल के अंदर एक ओव्यूल इसमें पाया जाता है। तो ये है इस फैमिली का फ्लोरल डायग्राम, इसको हम बेस मान सकते हैं। मान लीजिए ये तो ऑसिमम का, यदि फ्लोरल डायग्राम है तो ऑसिमम का ये फ्लोरल फॉर्मूला है, ऑसिमम का ही फ्लोरल डायग्राम है। यदि आप उसको साल्विया का लिखना चाहें तो हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, साल्विया के अंदर ब्रैक्ट भी होते हैं, के जो होते हैं उनके अंदर जैसे आपको पहले बताया था 3/2 और सी क्या हो गया फिर 2/3। स्टेमंस सिर्फ दो ही होते हैं इनके अंदर और इससे जुड़े हुए होते हैं, गाइनोशियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरीज सुपीरियर। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला, इनके बेसिस पे हम फ्लोरल डायग्राम भी इनका बना सकते हैं। ये जो बेस है ऑसिमम का ये है साल्विया का, इसके अनुसार यदि हम बनाएंगे तो तीन पेटल्स इक्वल होंगी, दो अलग होंगी और इसमें 2/3 का अरेंजमेंट इनके अंदर जो द्वि ओष्ठी होता है उसमें तीन और अपर लिप पर दो तीन होंगे और लोअर पर दो होंगे, कोरोला में अपर पे दो होंगे लोअर में तीन होंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट इनके अंदर पाया जाता है और ये है फ्लोरल डायग्राम से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट जो इस फैमिली के अंदर मिलते हैं, वो है यदि ऑर्नामेंटल की बात करें शोभाकारी पादप, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है साल्विया का,
ग्लैंडिस, कोलियस, ये बहुत सारी स्पीसीज हैं इसके अंदर, ब्लूमाइट, और लेवेंडर ऑयल मिलता है जिससे लेवेंड्यूला ऑफिसिनेलिस, और थाइमस वल्गेरिस, ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, ऑसिमम, बेसिलिकम, सब हम जानते हैं इसको, जिसको हम मरुआ के नाम से जानते हैं, और रोजेमेरियम, रोजमेरी जिसको हम कहते हैं, रोजेमेरिनस, ऑफिसिनेलिस, इसको हम रोजमेरी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट हैं जो इस कुल में पाए जाते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स में, औषधीय पादप में, सबसे पहले नाम आता है थाइमस, वल्गेरिस। इस प्लांट से थाइमोल नामक मेडिसिन बनाई जाती है, जो कि हुकवर्म, जो कृमि होते हैं उनको खत्म करने का काम करती है। बाकी ऑसिमम, सेंटम, तुलसी, सबने देखी हुई है तुलसी प्लांट, बहुत इम्पोर्टेंट एक मेडिसिनल प्लांट है जो हर घर में होता है, और इसकी जो लीफ होती है नॉर्मली खांसी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, गला खराब, सभी में इसकी लीफ काम में ली जाती है। जिस नाम से इस कुल को जाना जाता है, मेंथा आर्वेंसिस, पुदीना, इसकी लीफ अपने को पता है, लीफ स्टिमुलेंट की तरह काम में करती है, ठंडक पहुंचाने वाली होती है, रेफ्रिजरेंट होती है, एकदम से बॉडी को पूरा सा जैसे स्टिमुलेट कर देती है, ठंडक पहुंचाती है अंदर तक, उसकी लीफ काम में ली जाती है। एक उसकी स्पीसीज और है मेंथा पिपरेटा, को हम विलायती पुदीना कहते हैं, जिससे पेपरमेंट बनाया जाता है, और इसकी जो नॉर्मली इसमें क्या तेज एक एरोमेटिक स्मेल होती है इसकी लीफ के अंदर, और जिस प्लांट से जो ऑयल निकलता है जिससे पेपरमेंट बनता है, और जो वॉमिटिंग वगैरह रोकने के लिए काम में ली जाती है। एडिबल में यदि देखें इसमें एडिबल प्लांट्स के अंदर कोलियस, रोटंडीफोलियस, जिसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है, वो खाने के काम में लिया जाता है। और भी इसकी स्पीसीज हैं, कोलियस
कोलियस की परविफ्लोरस है, कोलियस एरोमेटिकस है, जो कि एक एरोमेटिक हर्ब के रूप में भी काम में ली जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट हैं जिसमें ऑसिमम बेसिलिकम मरुआ हम जानते हैं, ऑसिमम सेंटम तुलसी का नाम हमने सुना हुआ है, मेंथा इसका एक कॉमन प्लांट है, पुदीना इसकी लीव्स काम में ली जाती हैं, और विलायती पुदीना हम कहते हैं, मेंथा पेपरेटा जिसे पेपरमेंट की तरह जिसके ऑयल से बनाई जाती हैं, इनके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, एरोमेटिक स्मेल इनके अंदर आती है जिसका ऑयल निकलता है, और ये ऑयल कई मेडिसिनल दवाइयाँ बनाने के काम में लिया जाता है। तो फैमिली लेमिएसी इंपॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट इस कुल के अंदर पाए जाते हैं, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की यदि हम इस फैमिली में बात करें तो बाइलेबियट कोरोला होता है इसके अंदर। इसके अंदर स्टेमन्स जो होते हैं उनमें डाइडाइनेमस कंडीशन पाई जाती है, चार स्टेमन होते हैं, द्विदीर्घी अवस्था इनके अंदर पाई जाती है, और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके अंदर जायांग नाभिक वर्तिका पाई जाती है, गाइनोबेसिक स्टाइल इस कुल के अंदर पाई जाती है। गाइनोबेसिक स्टाइल का मतलब आपको बताया है, जो स्टाइल है वो जायांग के केंद्र से नाभिक से उत्पन्न होती है या आधार से उत्पन्न होती है, जिसको हम गाइनोबेसिक स्टाइल या जायांग नाभिक वर्तिका कहते हैं। ओवरी जो होती है नॉर्मली बाइलोक्युलर होती है, लेकिन फॉल सेप्टम बनने की वजह से बाइलोक्युलर के स्थान पर ये टेट्रा लोक्यूलर हो जाती है, और प्रत्येक लोक्यूल के अंदर एक एक ओव्यूल पाया जाता है। तो इस फैमिली को हम कहते हैं मिंट फैमिली के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।